Shalom. Hallelujah. Hey, बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुमको स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आज जो विषय है कड़वावत और अक्षमा कि परमेश्वर हमारा मदद करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई समझने के लिए और उसका आज्ञा पालन करने के लिए ताकि हमको छुटकारा मिले। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन मत्ती 18:21-35। मैथ्यू 18:21-35, मत्ती 18:21-35 हम खोलेंगे और साथ में पढ़ेंगे। तब पत्रस ने आकर उससे कहा, प्रभु मेरा भाई कितनी बार मेरे विरोध अपराध करता रहे कि मैं उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक ही, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग के राज्य की तुलना किसी ऐसे राजा से की जो सकती है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो उसके सामने एक मनुष्य लाया गया जिस पर करोड़ों रुपए का ऋण था। पर जब उसके पास ऋण चुकाने को कुछ न था तो उसके स्वामी ने आज्ञा दी कि उसे और उसकी स्त्री बच्चे तथा जो कुछ उसके पास है सब बेच कर ऋण चुका दिया जाए। इस पर दास ने गिरकर उसे दंडवत किया और कहा, स्वामी धैर्य रख, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उससे छोड़ दिया और उसका ऋण भी क्षमा कर दिया। परंतु वह दास बाहर निकला और उसकी भेंट संगी दासों में से ऐसे एक से हुई जो उसका 100 रुपया का ऋणी था। उसने उससे कहा, उसे पकड़ कर और उसके गला दबा कर कहा, मेरा ऋण चुका। इस पर उसका संगी दास गिर कर विनंती करने लगा, धैर्य रख, मैं सब चुका दूंगा। फिर भी वह न माना और उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डाल दिया जब तक कि वह ऋण न चुका दे। यह देख कर उसके संगी दास अन्यथा दुखी हुए और उन्होंने जाकर अपने स्वामी को यह घटना सुनाई। तब उसके स्वामी ने उसे बुलवाकर कहा, हे दुष्ट दास, इसलिए कि तूने मुझसे विनंती की, मैंने तेरा सारा ऋण क्षमा कर दिया था, तो फिर मैंने जिस प्रकार तुझ पर दया की, क्या उसी प्रकार तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करने चाहिए थी? और उसने स्वामी ने क्रोध से भर कर उसे यातना देने वालों को सौंप दिया कि ऋण चुकाने तक उन्हीं के हाथों में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से प्रत्येक अपनी भाई को हृदय से क्षमा न करे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। शलोम। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आप एक क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अपने हमको क्षमा किया, आपका एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हमारा हर एक पाप और दोष उसने उठाया।
उसका सिर के ऊपर लिया, लहू बहाया, जान दिया और हमको मुक्ति, छुटकारा और क्षमा हमको दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, आज ये जो विषय है कड़वावत और अक्षमा, ये सच्चाई बहुत उत्तम रीति से समझने के लिए हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक और बुद्धि हमको दे दो प्रभु। पिताजी हम ये शैतान का बंधन में बहुत सारे लोग इसमें अकड़ गए हैं, हमको छुटकारा का जरूरी है। ये दरवाजा हमारा जीवन का बंद करने का बहुत आवश्यक है ताकि शैतान हमको उत्पीड़न ना करे। प्रार्थना करता हूँ हमारे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर दया करो ताकि मैं सही रीति से समझा सकूँ, सिखा सकूँ और जो सुनने वाले हैं उनका मन और दिल तैयार करें ये सच्चाई स्वीकार करने के लिए, उसका आज्ञा पालन करने के लिए और छुटकारा पाने के लिए। अपने ये प्रार्थना सुन लिए इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। भाई बहनों, बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। जिसके द्वारा बहुत लोग आज शैतान का बंधन में उत्पीड़न और सताव में गुजर रहे। पिछला दो रविवार को हमने दो खुला दरवाजा बंधन का हम सीखा है। एक है मूर्ति पूजा, भारी जो मूर्ति है, प्रतिमा है, गलत भगवानों का, उसके बारे में। और दूसरा दरवाजा था मूर्ति पूजा जो अंदर मूर्तियां है। और हम ये सीखा कि दोनों ही मूर्तियां, मूर्ति पूजा उतना ही खतरनाक है और उतना ही परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आने वाला है। ऐसा जो दरवाजा है उसके ऊपर हम विजय नहीं मिलेगा तो हमारा अनंत काल के लिए नाश हो जाएगा। आज ये तीसरा दरवाजा जो हम खुला रखते हैं, शैतान हमारे अंदर काम करने के लिए, वो हम अच्छा रीति से समझेंगे। भाई बहनों, एक वॉचमैन नी करके चाइनीज एक परमेश्वर का दास था, पिछला शादी में, पिछला शादी में उसने बोला था, उसने सिखाया, लिखा कि कड़वावत और अक्षमा सबसे बड़ा दरवाजा है शैतान को हमारा जीवन में बंधन लाने के लिए। बहुत खतरनाक ये पाप है। हमको किसी को ही क्षमा करने के लिए
और कड़वावा तमरा दिल से निकालने के लिए बहुत कठिन लगते। किसने तो लिखा कि बहुत लोग सोचता है कि ये कड़वावत रखने से और क्षमा नहीं देने से एक जहर है जे ये लोग पी रहे, जहर का समान है। लेकिन सोचते हैं कि और कोई मरेगा, ये लोग नहीं मरेंगे। एक बहुत बड़ी मूर्खता है जो शैतान ने हमारा दिल में डाला। हम हमेशा सोचते हैं किसी के और कड़वावत हमारे दिल में रखते हुए और क्षमा ना करते हुए हम बड़ा मेहरबानी करते हैं। लेकिन ये मेहरबानी हमने खुद के लिए करना चाहिए, लोगों को क्षमा करते हुए। क्यों? उसका बुरा नतीजा दूसरे लोगों के ऊपर नहीं होता है, हमारा खुद के ऊपर होता है। तो ये जान लो भाई बहनों आज कि तुम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, किसी के और तुम्हारा दिल में नाराजगी और कड़वा बहुत रहेगा। दूसरों को कुछ नहीं होता है, जिनके और तुम लोग नाराज है वो कड़वावत है, वो अक्षमा है, कुछ नहीं होता है। उसका प्रभाव नतीजा वही व्यक्ति के ऊपर रहेगा, ये जहर उसको ही खा लेगा और उसका ही नाश करेगा। भाई बहनों आज का जो वचन है, पेत्रस ने पूछा कितना बार क्षमा करने का है मेरा भाई को। वो सोचा 7 बार ठीक होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला 70 गुना तक 7 क्षमा करने के। ये गिनने का बात नहीं है, इसका मतलब है 1000 बार। जितना एक भाई और बहन हमारे ऊपर अपमान करेगी, हमको दुख पहुंचाएगा, चोट लगाएगा, उतना तक हम उनको क्षमा करना आवश्यक है। और उसके लिए ये समझाने के लिए उसने एक दृष्टांत हमको दिया कि परमेश्वर का राज एक राजा का समान है जो उसका जो दास है, गुलाम है, उनके साथ वो लेखा लेखा लेता है। और भाई बहनों पहला से ही मैं तुमको बताना चाहता हूं कि ये राजा परमेश्वर को दर्शाता है और ये दास एक गुलाम मनुष्य है। वो 1000 सिक्का वो उसको खर्चा था उसका, और उसने इतना गिड़गिड़ाया कि राजा ने उसको छोड़ दिया, माफ किया। भाई बहनों
हमारा पाप अनगिना है और उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये कर्जा चुका नहीं सकते। और ऐसा लोगों को परमेश्वर का इंसाफ के अनुसार दंड मिलना मांगता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। हमारे ऊपर दया किया, हमको क्षमा किया प्रभु यीशु का बलिदान के द्वारा क्रूस के ऊपर। खुद स्वर्गीय पिताजी ने हमको क्षमा किया और उसका एकलौता पुत्र को हमारा पाप का सजा भुगतना पड़ा। लेकिन क्या हुआ कि ये गुलाम बाहर जाकर आनंदित होने से बदले उसको दूसरा एक गुलाम मिलता है, उसका साथी, जो उसको कुछ उसका खर्चदार था। उसने उसको इतना सताया, गला पकड़ा और बोला मैं तुझे जेल में डालेगा, बंदीगृह में डालेगा। उसने उससे बहुत विनती किया, गिड़गिड़ा, कैसे भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, माफ करने के लिए तैयार नहीं था। जब ये दूसरा साथियों ने ये देखा, उन्होंने राजा को बोला कि जिसको तूने क्षमा किया था उसने उसका एक दूसरा कर्जदार के लिए इतना निर्दय रीति से उसको उसने उसके साथ व्यवहार किया और क्षमा नहीं किया। तभी राजा ने उसको बुलाया, उसको डांटा, बोला तू दुष्ट व्यक्ति है, मैंने तुझे क्षमा किया था, तेरा ही फर्ज बनता था ना कि जाके दूसरों को क्षमा करने के लिए, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं तेरे ऊपर जो दया किया था वो मैं अभी वापस ले रहा हूँ और बहुत क्रोध से, गुस्सा से उसने ये गुलाम को हैंडेड हिम ओवर टू द टॉर्चरर्स, यातना देने वालों को सौंप दिया, यातना देने वालों को सौंप दिया। मतलब उसको उत्पीड़न करने के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए, उसको सताने के लिए। और बाद में प्रभु यीशु बोलता है वैसा ही मेरा स्वर्गीय पिताजी तुम्हारे साथ करेगा जब भी तुम्हें तुम्हारा भाई को दिल से, हृदय से तुम क्षमा नहीं करेंगे। भाई बहनों, क्षमा करना हमारा स्वर्गीय पिताजी का, हमारा परमेश्वर का एक स्वभाव है। मैं समझता हूं कि ये सामान्य मनुष्य के पास असंभव है। कोई किसी को क्षमा नहीं कर सकते जब तक उसका नया जन्म नहीं हुआ। ये हम ध्यान में रखने का है ताकि हम समझे नया जन्म पाना, उद्धार पाना
कितना जरूरी है। सिर्फ बपतिस्मा लेना नहीं, सही रीति से हमारा नया जन्म होना ये बहुत जरूरी है। और ये सब चीज हमारा स्वयं के लिए, क्यों जो क्षमा हमको करने का है, ये क्षमा हमारा दिल से करने का है। लेकिन जब तक हमारा दिल स्वार्थी है और स्वयं से भरा है, हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। ये स्वयं का घमंड का समस्या है। भाई बहनों, परमेश्वर ने हमको क्षमा किया उसका इकलौता पुत्र के द्वारा, और ये क्षमा पाने के लिए हम सिर्फ नया जन्म पाएंगे तभी हमको ये क्षमा मिलती है, ना तो नहीं मिलते। जब भी हमारा उद्धार होते तभी हमारा हर एक पाप परमेश्वर क्षमा करते। हमारा पाप कितना ही भी होने दो, अनगिना होने दो, कितना ही भी बेकार होने दो, छोटा मोटा खतरनाक, सब पाप प्रभु यीशु का लहू से धो जाता है, क्षमा होता है। लेकिन एक बार हमको ये क्षमा मिलने के बाद परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि हम भी वैसा ही हजार बार दूसरों को भी हम क्षमा करें जैसा परमेश्वर ने हमको क्षमा किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रार्थना में हमको ये सिखाया, परमेश्वर मेरा पाप क्षमा करो, मेरा कर्जा क्षमा करो जैसा मैं मेरा कर्जदार के और कर्जदारों को मैं क्षमा करता हूँ जो मेरे ऊपर अपमान करते हैं। भाई बहनों, ये सच्चाई है और ये हम समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करेंगे नुकसान हमारा ही होता है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने, ये राजा ने ये गुलाम को किसके और सौंप दिया? यातना करने वालों को। कौन है ये यातना? ये यातना है शैतान। तो जो लोग क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है उनको सीधा परमेश्वर शैतान के और सौंप देता है ताकि वो उनको सताए। बंधन का मतलब यही है कि हम जब भी अक्षमा के द्वारा और कड़वावत के द्वारा हम हमारा जीवन का दरवाजा खुला करते हैं, शैतान घुस जाता है हमको सताने के लिए, हमको तकलीफ देने के लिए, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से। कभी कहीं लोग पागल बन जाते हैं, कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोगों को कैंसर होता है, कई लोगों को आर्थराइटिस होता है, अलग अलग रीति से तरीके से शैतान जो क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है उनका जीवन बर्बाद करेगा, ये जान लो। तो क्षमा करना
एक बड़ी चीज है जो हम खुद के और मेहरबानी करते हैं, दूसरे के और नहीं है। उनको उनको क्षमा करके करते हुए हम उनके और कोई मेहरबानी नहीं करते, हम मेहरबानी खुद की और करते हैं। और हमको ये सताव से, ये उत्पीड़न से शैतान का हम बचा सकते हैं। भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों आज बहुत लोग का पीड़ित है, बीमारी में है, लेकिन उनको ये नहीं समझता है कि कितना ही भी हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए, उनका चंगाई के लिए, उनका दिल में एक कड़वावत है और अक्षमा है। उन्होंने कितना ही भी टैबलेट्स लेगा, ये लोग चंगा नहीं होने वाले है, ठीक नहीं होने वाले। क्यों? ये चंगाई का रहस्य क्षमा है। तो इतना महत्वपूर्ण ये बात है, ये सच्चाई है। भाई बहनों, इसका एक एक डायरेक्ट कनेक्शन है, हम सीधा ताल्लुक है। हमारा प्राण जो है, मन जो है, और हमारा जो देह है, इसके साथ। भाई बहनों, शायद हमको ये अजीब लगेगा, जो चीज़ मेरा मन में है, जो गुस्सा मेरा मन में है और मेरा दिल में है, उसके द्वारा मेरा शरीर को कैसा, शरीर के ऊपर, देह के ऊपर कैसा प्रभाव होता है। भाई बहनों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो जो मन बिरयानी लोग है, जो डॉक्टर लोग है, वो खुद गवाही देते हैं। देखो भाई बहनों, जब भी हमको बाहर समझो हमारा घुटना दुखता है, और हमको कोई एक हमारा जो चमड़ी है उस पे ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ घाव होता है, वो कुछ एलर्जी होता है, तो हमको लगता है डॉक्टर हमको टैबलेट क्यों देते हैं। लोग सोचता है इधर कुछ लगाएगा, मलम लगाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं भाई बहनों, इसका प्रॉब्लम और हमारा घुटना का प्रॉब्लम अंदर है। इसके लिए वो टैबलेट अंदर लेना पड़ता है। अंदर ठीक हो जाएगा तो ये मेरी चमड़ी ठीक हो जाएगी, मेरा घुटना ठीक हो जाएगा। ये हम नहीं समझेंगे तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास चक्कर मारते रहेंगे, बोलेंगे मेरा घुटना दुखते है, मेरा संधिवात है, मेरा कैंसर है, मेरा वो है वो है। लेकिन ये सब बातों का सोता और जड़ हमारे अंदर जो अक्षमा है, कड़वावत है किसी के और, वही कारण है, वही वजह है। अंदर का बात हम ठीक करेंगे, क्षमा करेंगे, उसी समय हमारा अर्थराइटिस, संधिवात ठीक हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है, ना तो हम सोचेंगे डॉक्टर के पास भी जाएगा तो कुछ नहीं होता है, सिर दर्द होने दो, कुछ भी होने दो, कौन सा भी समस्या। ये पहला चेक करना बहुत जरूरी है। इब्रानियों 12:14-17, हिब्रूज 12:14-17, हिब्रानियों 12:14-17 तक हम सब साथ में पढ़ेंगे। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो,
और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई भी नहीं देख पाएगा। ध्यान रखो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट का कारण ना बने, जिससे कि बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। तो तुम में से कोई भी व्यक्ति दुराचारी या एसाव के सदृश ना हो, जिसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौटेपन का अधिकार बेच डाला। तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने आशीष प्राप्त करनी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर ढूंढने पर भी उसे पश्चाताप करने का अवसर न मिला। भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमको एक उदाहरण देता है ईसाव का और हमको बताता है कि हमेशा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना और रखना, जिसके द्वारा हमारा पवित्रता, हम पवित्र बन सके, ना तो हम परमेश्वर को देखेंगे भी नहीं। क्या हो गया ईसाव का? ईसाव का अंदर बहुत कड़वावत थी और अक्षमा उसका भाई की ओर याकूब। जब ही ईसाव बहुत थक के आया था और उसको भूख लगा था बहुत, तभी उसने देखा कि याकूब ने अच्छा एक मसूर का दाल तैयार किया है जो उसने उसका माँ ने करके दिया था, और ईसाव ने बोला मुझे बहुत भूख लगा, मुझे दे दो। तो याकूब ने उसको फंसाया, बोला तू मुझे तेरा पहला टका जो अधिकार है, जन्म अधिकार है, वो मुझे बेच देगा तो मैं तुझे ये दाल पीने देगा। उस समय उसने कुछ सोचा नहीं कि वो पहला टका जो जन्म अधिकार है वो कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का नज़र से। उसने तो तुच्छ समझा, लकि मुझे क्या ज़रूरत है, अभी तो मैं मर रहा हूँ, भूख लगा, चलो चाहिए तो लेके जाओ। लेकिन उसके बाद उसको एहसास हुआ, एहसास होने के बाद वो बहुत रोया, आंसुओं के साथ उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ाया, निवेदन किया, प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसको क्षमा नहीं मिला पश्चाताप करने के बाद। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि उसके अंदर एक कड़वावत और अक्षमा थी उसका भाई के ओर, और वो उसको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं था। अंतिम समय में जब ही बहुत लेट हुआ था, बहुत देर हो चुका था, वो कोशिश करने को लगा पश्चाताप करने के लिए, लेकिन उसका पश्चाताप सही नहीं था और उसको क्षमा नहीं मिली। भाई बहनों, हम लोगों को क्यों क्षमा नहीं करना चाहते हैं? क्यों हमारा जीवन में ये लोगों ने बहुत बड़ा चोट हमको पहुंचाया, हमको अपमान किया, हमको दुख दिया, तो इसके वजह हम ये कड़वावत लेकर बैठते हैं, ये नाराजगी हमारा अंदर रहती है, और हम कैसा ही भी हम उनको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोगों को बोलते हैं तुझे कुछ मालूम नहीं है, ये व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध कितना गलत किया और बुराई किया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है
कि उनका जीवन में जो अभी उत्पीड़न है, सताव है, समस्या है, बंधन है और बीमारी है, गढ़ है, वो इसके वजह ही है। तो शैतान उसको बोलता है, जितना ये तू ऐसा करते रहेगा, मेरे पास भी कारण है तुझे ऐसा सताने के लिए। हम शैतान को एक अनुमति देते हैं कि तू मुझे सताओ, तू मुझे बंधन में रखो। बाद में भाई बहनों, हम हॉस्पिटल में भागने से हम हमारा घुटने पर आकर हम पश्चाताप करते थे और वो भाई ये बहन को क्षमा करते थे, हम तुरंत ठीक होते थे। भाई बहनों, ये ध्यान में रखो कि आज बहुत सारा जो आशीषें परमेश्वर हमको देना चाहते हैं हम नहीं पा सकते हैं, क्यों? हमारा अंदर ये अक्षमा का पाप है और कड़वावत का पाप है। तो ये क्या होता है, हर एक आशीष यहाँ तक आकर रुक जाता है, हमको उसका फायदा नहीं मिलता है। क्यों? ये एक बहुत बड़ा एक वॉल, दीवार जैसा है और परमेश्वर का आशीष हमारा तक पहुंचता ही नहीं। भाई बहनों, बहुत सारा लोग आज कष्टों में गुजर रहे ये कड़वावत और अक्षमा का पाप के वजह। भाई बहनों, कभी कभी समझो एक लड़की को किसी ने बलात्कार किया, उसका जीवन बर्बाद किया, ये लड़की को हमेशा ये इंसान के और मनुष्य के और कड़वावत रहेगा और ये कड़वावत के द्वारा उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसका शादी का जीवन बर्बाद हो जाएगा हर एक तरीके से। कभी कभी ये बलात्कार होने दो ना तो अबॉर्शन होने दो, गर्भपात होने दो, कितना बार माँ बाप उनका बच्चा गिराते हैं और गर्भपात करते हैं और समझो ये तो एक अलग ही पाप है, लेकिन समझो बच्चा ये हो गया, क्या बच गया, तभी उसका जीवन बर्बाद होता है। क्यों? उसको जब भी मालूम पड़ता है, उसको उसका माँ के और इतना इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है, इतना नफरत आता है कि उसके द्वारा बेचारा वो बेटा और बेटी का भी जीवन बर्बाद होता है। ऐसा अलग अलग अनुभव है जिसके द्वारा शैतान हमारा अंदर घुस जाता है, हमको उत्पीड़न करने के लिए और हमको सताने के लिए। तो जब भी हम ये समझेंगे, हम उसको ये मौका नहीं देना चाहिए। ये सब हमारा जीवन का बुरे अनुभव है, सब लोगों का जीवन में है, सब लोगों का, ऐसा कोई नहीं उनका जीवन में नहीं है। तो इसलिए हम ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि शायद जो समस्या में अब हम गुजर रहे वो समस्या हमारा पाप के वजह है, ज़्यादा से ज़्यादा ये अक्षमा का पाप और कड़वावत का पाप। भाई बहनों, अल्सर्स, तरी तरीके अलग अलग तरीके के जो ये है हमारे अंदर बीमारी है, हम चेक करना जरूरी है। चाले भाई बहनों, ये जांचना जरूरी है, ऐसा कोई है कि हमारे जीवन में इसको हम अभी तक क्षमा नहीं किया और उसके और हमको बहुत कड़वावत है और हम तैयार नहीं हैं
कि उसने हमको बहुत ये किया, तकलीफ दिया, शहीद मेरा नाम बदनाम किया, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, मेरे विरुद्ध ये किया, खानाफूसी किया, बहुत सारा कारण है। लेकिन भाई बहनों, ये सब कारण के अलावा, इंस्पाइट ऑफ अलावा, हम ये करेंगे, क्षमा करेंगे तो हमको छुटकारा मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने बोला, हमारा नया जन्म नहीं होगा तो हमको वो अनुग्रह नहीं मिलते है, ये शक्ति हमको नहीं मिलते है। तो ये भी अभी तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। तुम्हारा अंदर अभी तक नफरत है और अभी तक गुस्सा है किसी के, और नया जन्म नहीं हुआ, कि तुम्हारे पास अनुग्रह नहीं है ये चीज़, ये काम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, क्यों ये साधारण सामान्य मनुष्य के पास नहीं होने वाला है। आज तो पूरा संसार एक गवाह है, एक दूसरा को क्षमा करने का नहीं होता है, इसलिए युद्ध चल रहा है, क्यों नफरत है अंदर, बदला लेना चाहते हैं। भाई बहनों, मैं एक ये उदाहरण देना चाहता हूँ, एक जो मैंने पढ़ा, बहुत मुझे चुआ। एक यूरोप में एक बहुत भक्तिमान और नीतिमान आदमी था, जिसका नाम था हेनरी सुसो। वो कैथलिक था, इसका मतलब नहीं कि क्या सब कैथलिक गलत लोग है, वो ऐसा लगता है कि प्रोटेस्टेंट और पेंटेकोस्टल से भी अच्छा था, सही था। वो अविवाहित था और उसका दिल में एक ही तमन्ना था, मैं प्रभु यीशु का जैसा बनना चाहता हूँ, यही उसका प्रार्थना था, प्रभु मुझे आपका समान बनाओ, पूरा चाहत से वो प्रार्थना करता था। एक दिन क्या हो गया, वो वहाँ एक छोटा गली में रहता था, छोटा घर में रहता था, और अचानक एक औरत आ गई जो उधर ही रहती थी, और शायद जानती थी कि ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है, और उसके और कोई इल्जाम डालेगा तो वो कुछ नहीं करेगा। तो वो एक बच्चे को लेकर आई और ज़ोर से चिल्लाने को लगे, बोला देखो ये बच्चा आपका पाप का फल है, ले लो, और उसका हाथ में दे दिया। ये भक्तिमान नीतिमान आदमी ये औरत को जानता भी नहीं था, लेकिन उसने उसके और ये इल्जाम लगाया, दोष लगाया, सब लोगों ने सुना, उसका नाम खराब हो गया। सब लोगों ने बोला हाँ हाँ, अभी हमको मालूम पड़ा वो इसमें चुपके चुपके क्या पाप कर रहा था पूरा। लेकिन भाई बहनों, ये नीतिमान भाई ने घुटने पर आकर परमेश्वर को बोला, परमेश्वर तू जानता है, तू मुझे जानता है, पहचानता है कि मैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और मुझे आप मदद करो, और मुझे अब दिखाओ मैं क्या करना है। तो प्रभु यीशु ने उससे बात किया और बोला, जो मैंने किया वो तू करो, मेरा जैसा बनना चाहते हैं ना। और उसको बोला, उसका पाप, उसका दोष तेरे ऊपर ले लो,
जैसा सब लोगों का दोष और पाप मैंने उठाया और उनको क्षमा किया। प्रभु ने क्रूस से बोला था, पिता परमेश्वर ये लोगों को क्षमा करो कि वह नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। वैसा ही उसने किया, वो स्त्री को औरत को क्षमा किया और उसने बहुत प्रेम से अच्छा रीति से वो बच्चा को उसने पाला और ये बच्चा बड़ा हो गया। भाई बहनों, एक दिन वही औरत वापस आ गई और सब लोगों को चिल्ला के उसने बोला, मैंने झूठ बोला था, ये आदमी ने कुछ गलत नहीं किया। भाई बहनों, मुद्दा ये है, सभी लोग हमारे ऊपर इल्जाम डालते हैं, हमको दोष लगाते हैं, तभी हम तैयार है वो दोष हमारा सिर के ऊपर लेने के लिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने लिया, ताकि हम उसका समान बने, कि हमारा जो जो ये है स्वभाव है प्रभु यीशु का जैसा हो। भाई बहनों, मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु का अनुग्रह से ये संभव है। पहला नया जन्म पाना है, उसका बिना किसी के पास ऐसा नहीं कर सकते। हम हमेशा ये गुस्सा और नफरत हमारा दिल में रखेंगे और उसका परिणाम उनके ऊपर नहीं होगा जिन्होंने शायद कुछ हमारा विरुद्ध कुछ किया, लेकिन उसका प्रभाव और सजा हमको ही मिलेगा, ये भूलना मत। सफाई देकर कुछ फायदा नहीं है। लुका 16:15 पढ़ो। लुका 16:15 पढ़ेंगे। सब साथ में। उसने उनसे कहा, तुम ऐसे लोग हो जो मनुष्यों के सामने अपने आप को नीतिमान ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है कि वह जो मनुष्य में अति सम्मानित है परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है। Read in English. And he said to them, You are those who justify yourselves before men, but ये नहीं है आपके पास। Knows your hearts. For what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God. Abomination क्या लिखा? दुष्ट। परमेश्वर का सामने एक दुष्ट बात है, घृणित बात है। कोई सफाई करेगा, और ये चीज प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी लोगों को बोला, क्यों वो हमेशा एक अच्छा चित्र दिखाना चाहते थे और हमेशा सफाई करते थे, नीतिमान है करके। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, वाइट वॉश्ड सिपलकस ग्रेव्स, तुम चुना लगाया कब्र है। लेकिन जब भी हम हमारा पाप कबूल करते हैं और हम क्षमा करने के लिए तैयार है, तभी परमेश्वर का आशीष हमको मिलता है, क्षमा हमको मिलता है। रोमी 12:14-21। रोमन्स 12:14-21। रोमी 12:14-21 तक सब साथ में पढ़ेंगे। अपने सताने वालों को आशीष दो पर शाप न दो,
आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। परस्पर एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों से मिलजुल कर रहो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। उन बातों का आदर करो जो सबकी दृष्टि में भली है। जहाँ तक तुमसे बन पड़े सबके साथ एक साथ शांति पूर्वक रहो। प्रियो, अपना बदला कभी न लेना, परंतु परमेश्वर के कोप को जगा दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। परंतु यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भाई बहनों, हमको ऐसा लगता है कि जब भी कोई हमारा विरोध कुछ करते हैं, हमको चोट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, कुछ गलत करते हैं, तभी हमको एक अधिकार है उनको, जो उन्होंने हमारे और कुछ किया उसका बदला लेने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है ये गलत है, बदला लेना मेरा काम है, मैं लेगा। हम क्या करने हैं? हम प्रेम करने हैं एक दूसरा का। भाई बहनों, प्रेम के बारे में मैंने तुमको सिखाया, वो कौन सा प्रेम है? ये अगपे प्रीति है। ये अगपे प्रीति सिर्फ नया जन्म होने के बाद ही मिलता है। आज शहीद तुम्हारे पास ऐसा नहीं होता है जो दुश्मन है उनका प्रेम करने के लिए, क्यों? वो अगपे प्रेम निस्वार्थी प्रेम है, और हम स्वार्थी प्रेम है, स्वार्थी लोग है, मतलब जो स्वयं केंद्रित है, हमारा जीवन का केंद्र स्वयं है, पूरा हमारा जीवन, पूरा संसार हमारे इर्ग दीर्घ इर्द इर्द गिर्द चलना चाहिए और घूमना चाहिए। तो भाई बहनों, ऐसा जो अविश्वासी उधार नहीं पाया हुआ, नया जन्म नहीं पाया हुआ, उसका जीवन में ऐसा कोई समस्या आएगा, आपको लगता है जो प्रभु यीशु मसीह ने इधर लिखा है वो हमारे पास होगा? कभी नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक चिन्ह है, एक निशान है, इशारा है हम परखने के लिए। आज मैं दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, वो उनके विरुद्ध नफरत रख के मैं जी रहा हूँ कि उन्होंने कुछ तो मुझे दुख दिया, मेरा दिल दुखित किया, चोट लगाया, और अंदर ये है। बहुत बार लोग उनको मालूम भी नहीं है कि उनके अंदर ये गुस्सा और नफरत उनके अंदर है, मालूम भी नहीं है, तो बोलते नहीं नहीं मुझे तो उसके ऊपर कोई ये नहीं है। लेकिन उनका बात करने में और उनका व्यवहार के द्वारा, बर्ताव के द्वारा मालूम पड़ता है कि वो इंसान का नाम ही निकालेगा उनको गुस्सा आता है। प्रभु का वचन बोलता है जितना तुम्हारे पास होता है तुम्हारा हाथ में है, शांति से जीना सब लोगों के साथ। भाई बहनों, ये सच है कि कठिन बात है। बहुत बार जब भी हम किसी को क्षमा करना चाहता है वो हमारा क्षमा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक जान लो, हम दूसरे लोगों का जो व्यवहार है उसके बारे में हम जिम्मेदार नहीं है, हम हमारा बर्ताव के बारे में हम जिम्मेदार है। परमेश्वर देखता है हम क्या करते हैं। हमने क्षमा करना चाहिए, दूसरा क्षमा करो
ना करो, हमको कोई लेना देना नहीं। ये महत्वपूर्ण है और ये समझना बहुत जरूरी। क्यों, मेरा अभी 35 साल का अनुभव वही है, कितना लोगों ने मेरे साथ झगड़ा किया, कितना लोगों ने मेरा नाम बदनाम किया, हमारा कलीसिया में बहुत फूट आया, लोग छोड़ के गया, मेरे विरुद्ध बात किया, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, बहुत सारा कुछ किया। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उसका अनुग्रह के लिए, मैंने सब लोगों को क्षमा किया, किसी के और मुझे कोई उनके और कोई नफरत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन उनका जीवन में बहुत सारा कष्ट आया, बहुत सारा उनको सजा मिला, बहुत सारा लोग मर गया। एक पास्टर था जो बार बार मेरा कलीसिया का लोगों को चुराता था और ये कलीसिया बंद करना चाहता था। जवान पास्टर था, हार्ट अटैक से मर गया। और एक दूसरा था पूना का, वो भी वैसा ही हमारा कलीसिया के विरुद्ध काम करता था, दारू पी के कैंसर होके मर गया। ये मैंने देखा, जो मेरे विरुद्ध जो काम करते हैं उनको परमेश्वर भयानक सजा देते हैं। हाल ही में आप जानते हैं कैसा दो भाई इधर छोड़ के गया, उनके विरुद्ध मुझे कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफरत नहीं है बिल्कुल। लेकिन मुझे उनके विरुद्ध कार्रवाई करना पड़ा, क्यों, प्रभु का वचन बोलता है कार्रवाई करने के लिए। ये कार्रवाई का नाम है संगति से निकालना, कलीसिया से निकालना। वो किया मैंने, ताकि ये लोग एक बुरा उदाहरण ना बने और बुरा गवाही ना बने। क्यों, ये लोग जाएंगे, अलग हो जाएंगे और हमारा कलीसिया का नाम किंगडम ऑफ गॉड चर्च रखेंगे और जैसा चाहिए वैसा करेंगे, गलत करेंगे। क्यों, उनको मेरा कोई मार्गदर्शन नहीं चाहिए, ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जीना चाहते हैं और सेवकाई करना चाहते हैं। ये लोग जो गलत करते हैं सब मेरे ऊपर आ जाएगा और हमारा कलीसिया का और मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। तो हमारा जो दर्शन है और जो प्रकाशन है, सच्चाई जो परमेश्वर ने हमको दिखाया सिखाया, उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो, और वही नाम से कलीसिया चलाएंगे और लोगों को बोलेंगे हम बस जो मेंडिस के नीचे काम करते हैं, जब ये लोग मेरे और बिल्कुल अधीन नहीं है तो सही नहीं होता है। इसलिए जो उन्होंने किया वो मैं अप्रूव नहीं करता हूँ, मान्यता नहीं देता हूँ, गलत है। और इसलिए मैंने तुमको बहुत बार सिखाया ये लोगों के बारे में, ताकि तुम लोग जाने सच्चाई क्या है, ताकि ये गलत लोगों का पीछे मत जाए, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इतना तक करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं उनको क्षमा कर दिया और उनके और मेरा कोई नफरत नहीं है। उनको परमेश्वर का सामने खड़े होकर न्याय का दिन उनका हिसाब देना पड़ेगा। तो भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों, ना तो हमको हमारा आत्मिक जीवन को चोट लग सकते हैं। ये दो मार्ग का प्रक्रिया है, हमने समझना चाहिए कि ये हमारा शक्ति से नहीं होता है। दो मार्ग मतलब क्या है, टू वे प्रोसेस। हम पहला परमेश्वर से क्षमा पाना है और बाद में ये क्षमा बांटना है। जब तक हम नहीं क्षमा ग्रहण नहीं करेंगे परमेश्वर की ओर से, हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं। मेरे बिना
इसके लिए हमारा नया जन्म होना और हमारा उदार होना बहुत आवश्यक है। भाई बहनों, हम ये सच्चाई समझते थे कि परमेश्वर ने हमारा कितना पाप उसने क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला ये लोगों को, जो जो व्यभिचारी स्त्री को लेकर आए थे और इल्जाम लगाते थे, तुम्हारा इसमें बीच में जिनके अंदर पाप नहीं है पहला पत्थर मारो। भाई बहनों, हम लोगों ने दूसरे लोगों को चोट नहीं पहुंचाया, हम दूसरे लोगों के और पाप नहीं किया, हम दूसरों का नाम बदनाम नहीं किया, हम लोगों को कुछ नहीं किया और परमेश्वर ने हमारा सब पाप क्षमा किया। अभी हम दूसरों लोगों को जो हमारे विरुद्ध कुछ करते हैं उनको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, क्षमा नहीं करेंगे। ये इसलिए होता है उन लोगों का जीवन में जिनका नया जन्म नहीं हुआ, इनका नया जन्म नहीं हुआ। तो ये अलग अलग जो चिन्ह है उसके द्वारा तुमको मालूम पड़ना चाहिए किसका नया जन्म हुआ और किसका नहीं जन्म हुआ, नहीं हुआ। कोई कोई बोलेगा मैं ये साथ में आराधना करते हैं रविवार को और बाद में बोलता है जाने का समय मैं उसके साथ रिक्शा में नहीं जाएगा, ये लोगों का उद्धार हुआ, उनका नया जन्म हुआ? भाई बहनों, जब भी हम किसी को क्षमा करते हैं इसका मतलब नहीं है कि उसने जो किया उसको हम मान्यता देते हैं कि सही है, नहीं है, गलत है, मैंने क्षमा किया लेकिन तूने जो किया वो गलत है। बहुत बार मुझे ऐसा करना पड़ता है हमारा कलीसिया का लोगों के साथ और मेरा परिवार के साथ भी, जब भी मेरा बच्चे भी कुछ गलत करते हैं मैं उनको क्षमा करता हूँ लेकिन उनसे बात नहीं करता हूँ ताकि ये जाने, जब तक ये कबूल नहीं करेंगे कि डैडी मुझे क्षमा करो मैंने जो किया वो गलत था। समझो सफाई करने के लिए लगेंगे तो क्या होता है, मैंने क्षमा किया लेकिन उनको क्षमा मिलता ही नहीं कि उन्होंने उनका दिल कठोर किया। ऐसा कितना सारा लोग है कलीसिया में और ऐसा होता है हमारे परिवार में भी, क्यों उनको नहीं समझता है, शायद उनका नया जन्म नहीं हुआ, शायद ये इतना स्वयं से भरे है, इतना घमंडी है, तो इनको समझते नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन मेरे तरफ से मैं उनको क्षमा करता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर उनको समझाना चाहता हूँ कि मुझे बिल्कुल जो तूने किया वो गलत है। ये कोई भी होने दो, कलीसिया का लोग होने दो, मेरा परिवार का लोग होने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? मैं एली नबी का जैसा दंड नहीं पाना चाहता हूँ। उसने उसका दो बच्चों को ये नहीं किया, परवरिश नहीं किया, उनको छोड़ा करने के लिए, पर बाद में क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको सजा दिया, उधर ही गिर पड़ा और मर गया और नया नाभिक को स्थापित किया सामुएल। भाई बहनों, हम समझना चाहिए कि ये फर्क क्या है। हम किसी को ये नहीं करते, मान्य नहीं करते किसी का ये बर्ताव, मान्यता नहीं देते हैं कि वो ये चीज़ सही है, नहीं, लेकिन हम क्षमा करना बहुत ज़रूरी है हमेशा। परमेश्वर जब भी हमको क्षमा करता है, जब तक हम ये क्षमा ग्रहण नहीं करेंगे ये क्षमा का फायदा हमको नहीं मिलते। क्षमा ग्रहण करने के हम जिद्दी बनेंगे और मैंने कुछ नहीं किया ऐसा बोलेंगे तो उनका जो ये है सजा है, प्रभाव है, ये लोगों के ऊपर गिरेगा, उनको आशीष नहीं मिलेगा। ये आशित, आशीष रहित, बिना वंचित रहेंगे। भाई बहनों, तुम सब लोगों ने समझना चाहिए कि हमको दूसरों क्या करते हैं वो हमको कोई लेना देना नहीं है, उनका हिसाब उनको परमेश्वर से, परमेश्वर को देना पड़ेगा और उसके अनुसार उनको क्षमा मिलेगी और आशीष मिलेगा। ना तो ये लोग दिल बी द लूजर्स, ये हार पाएंगे, हाँ ये हार पाएंगे। तो भाई बहनों,
याद रखना 1 यूहन्ना 3:16, 1 जॉन 3:16, 1 यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे। हम अगापे प्रेम को इसी से जानते हैं कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, अतः हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। प्राण भी प्राण बोलेगा तो लगता है हमारा जान देने का है, ये जान देने का नहीं है भाई बहनों, हमारा स्वयं को मारने का है। ये प्रॉब्लम स्वयं से आता है, हमको क्यों गुस्सा आता है, हम क्यों चिल्लाते हैं, हम क्यों सफाई करते हैं, स्वयं हमको अभी तक छुटकारा नहीं मिला। प्रभु बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है, तुमको प्रेम करना है, अगापे प्रेम करना है, तुम्हारा स्वयं की ओर मरना, ले डाउन योर सेल्फ, ले डाउन योर लाइफ नहीं है, ले डाउन योर सेल्फ। सेल्फ वो जूना मनुष्य, हर बार हम जब भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, ये जूना मनुष्य को हम फिर एक बार कब्र से जिलाते हैं। जब तक हमारा स्वयं के लिए हम नहीं मरेंगे, हमको ये क्षमा करने के लिए हमारे पास कभी होगा ही नहीं। 1 कुरिन्थी 13:4-5, 1 कुरिन्थी 13:4-5, 1 कुरिन्थी 13:4-5 पढ़ेंगे। प्रेम अगापे प्रीति, अगापे प्रीति धैर्यवान है, अगापे प्रीति दयालु है और वह ईर्ष्या नहीं करता, अगापे प्रीति डींग नहीं मारता, अहंकार नहीं करता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुराई का लेखा नहीं रखता। देखो भाई बहनों, बुराई का लेखा नहीं रखते हैं जो लोग क्षमा नहीं करते हैं, जिनके अंदर कड़वावत है, ये क्या करते हैं, लेकाल रखते हैं, हिसाब रखते हैं, उसने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा किया ये किया ये किया वो किया, और मैं उसको क्षमा कैसा करूं। अच्छा है, शैतान बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा मुझे ही भी कारण है तुझे सताने के लिए। जब तक तू तेरा लेका रखते रहना करते रहना, और मैं मेरा उत्पीड़न तेरे विरुद्ध करते रहेगा, तेरे को मारते रहेगा। हमको ये चाहिए क्या भाई बहनों? मत्ती 5:7, Matthew 5:7, मत्ती 5:7 पढ़ेंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने वो पहाड़ का उसका प्रवचन में उसने ये बोला, धन्य है जो दयाड़ू, धन्य है जो दयाड़ू है, क्यों उनको दया मिलेगा। भाई बहनों, हम भी पाप में गिरते हैं कभी कभी, नया जन्म पाने के बाद भी हम फिसल जाते हैं, तो हमको तभी हम प्रभु से बोलते हैं मेरे ऊपर दया करो, तो प्रभु पूछते हैं तूने कितना दया किया दूसरे के ओर। धन्य है जो दयाड़ू लोग हैं, उनके ओर परमेश्वर दया करेगा। भाई बहनों, ये राजा ने भी उसको बोला, मैंने तेरे ऊपर दया किया, तेरा फर्ज नहीं था क्या तेरा जो साथी है उसके ओर भी दया करने के लिए, फर्ज नहीं था। दया, ऐसा दिल के लिए हम प्रार्थना करने के, प्रभु मुझे दयाड़ु दिल दे दो, क्यों आप मेरे ऊपर अपने कितना दया किया, वैसा ही दूसरे लोगों को, जब ये लोग गिरते हैं कुछ मेरे विरुद्ध करते हैं, उनको क्षमा करने के लिए। पेत्रोस का याद करो भाई बहनों, पेत्रोस ने प्रभु यीशु का विरुद्ध पाप किया था, उसको उसने इनकार किया था, उसने उसको नकारा था, हाँ इनकार किया था,
हम तो बोलते थे ऐसा आदमी के ऊपर कभी भरोसा नहीं रखने का, कभी उसको लीडर नहीं बनाने का, कि उसने एक बार ये किया, क्या किया, मेरे गधारी किया। और जब भी मैं बोलता हूँ कि जो मेरे विरुद्ध गद्दारी किया उनको भी मैं गले लगाने के लिए तैयार हूँ और उनको भी लीडर बनाने के लिए तैयार हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पेत्रस को फिर एक बार क्या किया, पुनर्स्थापित किया। उससे पहला पूछा, तू मेरा अगपे प्रेम करता है क्या? भाई बहनों, हम सब लोग गिरते हैं, लेकिन पश्चाताप करना और परमेश्वर से क्षमा पाना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद हम दूसरे लोगों का भी ऐसा ही क्षमा करना, दया करना जरूरी है। हम ये भूल जाते हैं, जब भी हम दूसरों के और दया दिखाने के लिए, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, हम ये भूल जाते हैं कि हमने भी परमेश्वर से क्षमा पाया और दया पाया है, ये भूल जाते हैं। ये आज का दृष्टांत है, वो 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 गुलाम का जैसा है। भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप जांच लो तुम्हारा जीवन, ताकि तुम शैतान को मौका ना दे दो, मौका अवसर ने ना दे दो तुम्हारा तुम्हारे विरुद्ध काम करने के लिए, तुमको बंधन में रखने के लिए और तुमको हमेशा ये होने के लिए, हाँ, उत्पीड़न में डालने के लिए। भाई बहनों, तुम्हारा नया जन्म होने गए ना, बहुत लोगों का नया जन्म इसलिए नहीं हुआ कि उनका दिल में अभी तक नफरत है, अक्षमा है और कड़वावत है, लेखा लेते हैं उसने ऐसा किया था, ऐसा किया, ऐसा किया, दूसरे लोगों को बताते हैं और उनका नाम बदनाम करना चाहते हैं। भाई बहनों, तुमको परमेश्वर की ओर से दया मिलेगा, क्षमा मिलेगा, तुम्हारा नया जन्म होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग का बीमार है, तुम जांच लो। सिर्फ प्रार्थना करके कुछ फायदा नहीं, वो प्रार्थना अंदर नहीं जाएगा जब तक तुम्हारा अंदर ये कड़वावत है और नफरत है और अक्षमा है। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो, तुम्हारे ऊपर दया करो और पवित्र आत्मा तुम्हारा आँखें खोल दो, तुम्हारा दिल जांचने के लिए। प्रभु तुमको आशीर्वाद। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आज का संदेशा के लिए, सुसमाचार के लिए, सुसंदेश के लिए, जो इतना महत्वपूर्ण है हमारा जीवन में। अभी मुझे मालूम पड़ा भाई पिता परमेश्वर की कि हमारा बीच में ये अगपे प्रेम इसलिए नहीं है क्यों हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारा नया जन्म इसलिए नहीं हुआ क्यों हमारे अंदर किसी के और नफरत है, अक्षमा है, कड़वावत है और हम उसको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज का सच्चाई के द्वारा लोगों को आज़ादी दो प्रभु, छुटकारा दो प्रभु, उनका आँखें खोल दो प्रभु, उनका दिल पिघलाओ प्रभु, कि जैसा हम सब लोगों ने उन्होंने क्षमा पाया आपसे, दया पाया आपसे, ये उनके बदले दूसरे लोगों को ये भी क्षमा करे और दया दिखाए। सिर्फ आप हमको मदद कर सकते हैं, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा सही पश्चाताप हमारे दिल में आप दे दो प्रभु, हमको सही ईश्वरीय दुख हमारे अंदर आने दो प्रभु, ताकि हमको पूरा छुटकारा मिले पाप से और बीमारी से, हर एक शैतान का बंधन से। धन्यवाद, ये प्रार्थना आपने सुन लिया, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन।